हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीक टू नर्चर बाय यशी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इसी तरीके से मैं हर हफ्ते आपके लिए आर्ट से रिलेटेड कॉन्टेंट लेके आती हूँ। तो थोड़ा लाइफ अपडेट देते हुए, इस वीक मुझे मेजर आर्ट ब्लॉक था। आर्ट ब्लॉक ये क्या होता है? ये होता है जब आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि आपको क्या बनाना है। या तो आपके पास ज़्यादा ही आइडिया आ रहे होते हैं, या तो कोई भी आइडिया नहीं आ रहा होता है कि नेक्स्ट आपको क्या बनाना चाहिए और कहाँ से शुरू करना चाहिए। इन तीन मिनी कैनवसेस को यूज़ करते हुए आज हम लोग बनाएंगे कुछ कंटेम्प्रेरी स्टाइल में। तो इस आर्ट ब्लॉक को कॉन्कर करते हुए आज मैं बना रही हूँ इस आर्ट पीस को। इसे स्टार्ट करेंगे जेसो के एक कोट के साथ। नेक्स्ट क्या बनाना चाहिए इसकी टेंशन ना लेते हुए मैं जस्ट अपने क्रिएटिव फ्लो को फॉलो कर रही हूँ और एक कुछ एब्स्ट्रैक्ट और कंटेम्प्रेरी स्टाइल में कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे माइंड में कुछ कलर कॉम्बिनेशंस थे, जैसे कि मेरा फेवरेट कलर रॉयल ब्लू और सिल्वर और गोल्ड के साथ मुझे कुछ आइडिया था कि मैं कुछ बनाऊँ। क्या बनाऊँ वो मैंने बनाते बनाते ही यहाँ पर फिगर आउट किया है। इस वीक मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी है, दैट वी मस्ट स्टार्ट बिफोर वी आर रेडी। जैसे कि कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा ही सोच लेते हैं कि हम लोग को क्या बनाना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट एटमॉस्फेयर होगा तब हम लोग शुरू करेंगे, और वो परफेक्ट एटमॉस्फेयर या परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं है। तो हमेशा शुरू करें पूरा रेडी होने से पहले। शुरू करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्टार्ट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। इट वॉज लिटरली लाइक अ मैजिक। मैंने बस डिसाइड किया कि मुझे बनाना है नो मैटर वॉट, एंड आई वॉज एबल टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट। खैर, अभी तो प्रोसेस चल ही रही है। मैं इस आर्ट पीस में एक तरीके का फ्लो चाहती थी, एक कंटिन्यूटी चाहती थी। इस कंटिन्यूटी को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 छोटे छोटे कैनवसेज लिए हैं, और एक तरीके का कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे वेव बनाई है, और इसमें मैं धीरे धीरे करके एलिमेंट्स ऐड कर रही हूँ। इस पीस की इंस्पिरेशन मुझे मिली ओशन से। जैसे हम किसी भी वाटर बॉडी को देखते हैं तो उसमें बहुत से कलर्स नज़र आ रहे होते हैं, वेव्स नज़र आ रही होती हैं, एक तरीके का मूवमेंट होता है और एक रैंडमनेस होती है। उस रैंडमनेस को मैं यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। और ऑफन टाइम मैंने फील किया कि कहीं ना कहीं जब कंटेम्प्रेरी पीस बनाना होता है तो मैं बहुत ही ज़्यादा उसको एडमायर करती थी कि कैसे बनाया गया है ना, कि उसका क्या क्रिएटिव फ्लो और क्या क्रिएटिव थॉट हो सकता है। ऑफन टाइम मैंने देखा कि मैं स्टक हो जाती हूँ परफेक्शंस को लेते हुए, जैसे कि मैं परफेक्ट लाइंस बनाना चाहती हूँ कि वो कहीं से भी ब्रेक ना हो, परफेक्ट ब्रश स्ट्रोक्स देने की कोशिश करती हूँ जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिस्ट्रिक्ट कर देती है। तो इस हफ्ते इसीलिए कुछ कंटेम्प्रेरी ट्राई कर रही हूँ मैं। वाटर में हमेशा एक तरीके की रिफ्लेक्शन नज़र आती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मिरर्स का यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे वेव्स को फॉलो करते हुए मिरर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। वेव लाइंस को फॉलो करते हुए मैं इसे प्लेस कर रही हूँ। मैं फील करती हूँ कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, एंड यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको लिटरली एजुकेशन या बहुत सी तरीके की इंफॉर्मेशन या नॉलेज आपको फ्री में मिलती है। तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। मैंने बहुत सोचा और रियलाइज़ किया कि टीचिंग के लिए मैं चार्ज करना पसंद नहीं करूँगी, बल्कि मैं पेंटिंग्स को सेल करके अर्न करना ज़्यादा पसंद करूँगी। तो इसीलिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट प्लीज़ करिएगा, और वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। मैं मिरर वर्क में बैलेंस क्रिएट करने के लिए मैं दोनों साइड एक ब्रोकन लाइन का इफ़ेक्ट दे रही हूँ। मैंने लास्ट बहुत सारे मिरर्स ऑर्डर किए थे जस्ट फॉर सम डिटेल्स। कैनवस मैंने अमेजोन से मंगाए हैं और ये मिरर्स मैंने मीसो की ऐप से मंगाया है। दोनों में कंपैरिजन करने के बाद सेम प्रोडक्ट और सेम सप्लायर के साथ मुझे मीसो में थोड़े कम प्राइस में मिल रहा था। नेक्स्ट टाइम हम लोग
मिरर्स के साथ लिपन आर्ट भी ट्राई कर सकते हैं। एक और चीज़ में यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि AI का एक तरीके का स्ट्रोम आ चुका है डिजिटल आर्ट में। मैं जस्ट सोच ही रही थी कि मैं डिजिटली मैं अपने आर्टवर्क को ले जाऊँ और डिजिटली मैं डिजिटल आर्टवर्क भी ट्राई करूँ, मगर AI एप्लीकेशंस और मिड जर्नी के वजह से इतना ज़्यादा वो ईजी हो गया है। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ ऐसा आर्ट जो कि रिक्रिएट नहीं किया जा सकता है डिजिटली या AI की मदद से, उस तरीके का आर्ट इन फ्यूचर बहुत ही काम आएगा जिसमें कि एक ह्यूमन टच हो और एक इमेजिनेशन पार के साथ बनाई जा सके और जिसमें प्रिंट से ज़्यादा कुछ हो, है ना, मतलब 2D से ज़्यादा हो, उसमें 3D एलिमेंट हो। तो उसको माइंड में रखते हुए यहाँ पे मैं कुछ और डिटेल्स ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में तब से बहुत सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड चल रही थी कि कैसे आर्ट को या एक आर्ट पीस को उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट या एक डिटेल्ड एलिमेंट कैसे ऐड किया जा सकता है, उसको एक उसकी एक USP कैसे बनाई जा सकती है, जब उसमें कुछ ऐसी डिटेल्स जो कि दूर से नहीं, जो भी कोई एक व्यूअर उसके पास आता है तो वो नोटिस करे, कुछ ऐसी डिटेल होनी चाहिए। और जस्ट फॉर एन एक्स फैक्टर मैं यहाँ पे कैनवासेस के साइड्स को भी फिनिश कर रही हूँ ब्लू कलर के साथ। ये कुछ छोटी छोटी सी डिटेल्स होती हैं जो कि बहुत ही माइन्यूट होती हैं, बट ओवरऑल एक फिनिशिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आज की वीडियो से आप सुपर इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करना कि आई विल ट्राई इट टू। आप भी इस पेंटिंग को घर पे ट्राई करेंगे और आपके अपने घर के लिए एक ब्यूटीफुल आर्ट पीस बनाएंगे तो ये जान के मुझे बहुत खुशी होगी। आई फील द रिज़ल्ट इज़ जस्ट स्टनिंग। क्या करूँ, अपनी तारीफ खुद ही करनी पड़ रही है। अगर आप भी इस आर्ट वर्क को बनाते हैं तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करना इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करके। यू कैन चेक आउट मोर ऑफ माई वीडियोज़। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।